हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज है दोस्तों 10 फरवरी 2020। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 9 फरवरी की जो भी मंडियों खुला था कल रविवार को, मैं उसी मंडियों के भाव बताने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये भी आप लोग को बताया था कि आने वाली वीडियो में दोस्तों 5500 का भाव जाएगा, 5000 का भाव जाएगा, लेकिन कुछ नरमी में तेजी देखने को पिछले वीडियो में मिली थी। लेकिन दोस्तों जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी दोस्तों पूरी जानकारी 100% सही थी। दोस्तों क्या वजह है सोयाबीन का वो तो आप लोग को मालूम है, अगर नहीं मालूम तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। लास्ट में आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या वजह है नरमी का। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करूँगा अलोट मंडी में। तो अलोट मंडी में 3850 रुपये से लेकर 4500 का भाव देखने को आज मिला है दोस्तों। और आवक 200.5 की थी। और बदवा मंडी की बात करें तो 2400 से लेकर दोस्तों 3400 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो 0.2 टन रही है। वहीं पर नेक्स्ट में दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जौरा मंडी में। तो जौरा मंडी में 3600 से लेकर दोस्तों 3600 का भाव था। और आवक की बात करें दोस्तों तो आवक यहाँ पर 0.1 टन की रही है। और दोस्तों यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट में खातेगांव मंडी में, तो खातेगांव मंडी में 3500 से लेकर 4000 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो 0.2 टन की रही है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आते हैं दोस्तों नलखेड़ा मंडी में। तो नलखेड़ा मंडी में 3600 से लेकर 4100 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात की तो आवक दोस्तों 0.1 टन की रही है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों सोनकच मंडी में। तो सोनकच मंडी में 3000 से लेकर 4100 का भाव देखने को मिला है। आवक की बात करें तो आवक यहाँ पर भी दोस्तों 0.4 टन की रही है। तो दोस्तों आज कुछ ही मंडियों की भाव इस वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचे, उस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुँचे। और दोस्तों नरमी का कारण यही है कि दोस्तों जो कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों निर्यात अभी बंद है चाइना में, इसी कारण दोस्तों अभी कोई लेन देन नहीं चला रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अभी सोयाबीन में नरमी देखने को मिल रही है दोस्तों। बहुत से कारण है दोस्तों कि अभी तक 5000 पहुंचने का उम्मीद अभी नहीं है, लेकिन जो भी सोयाबीन है वो बेचते रहिए। जो बेस्ट क्वालिटी का अभी मैं बोलूँगा दोस्तों, जो बेस्ट क्वालिटी है उसको भी थोड़ा रखे, लेकिन जो ये निकालते रहे धीरे धीरे। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।